स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन, और आज की इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई से जुड़ा हुआ कुछ लेटेस्ट अपडेट दूंगा आज का, ठीक है, जो कि एक न्यूज़ आर्टिकल से ही मैंने लिया है और आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल उसे पढ़ के। और उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल एकलव्य स्नातक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रेजुएशन के कोर्सेज करवाने वाले हैं, चाहे रेगुलर से हों चाहे ओपन से हों, दोनों के ही हम करवाएंगे। और हमारा नया चैनल एकलव्य इन्फो, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और करियर रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, तो आप इसको भी ज़रूर एक बार ही देख लें। तो अब आज के जो जो हमारा आर्टिकल है आज का, ठीक है, जो कि जी बिजनेस के आर्टिकल से मैंने लिया है ये, और इसमें लिखा हुआ है सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम लेटेस्ट न्यूज़ टुडे। और इसमें कुछ इवेल्युएशन क्राइटेरिया से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इन्होंने आज अपने आर्टिकल में लिखा, जो कि काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो इसमें इन्होंने ये लिखा है कि एज़ पर आ रीसेंट ANI रिपोर्ट, ठीक है, आपको पता होगा कि ANI एक न्यूज़ एजेंसी है, और एज़ पर आ रीसेंट ANI रिपोर्ट, स्टूडेंट्स में बी ग्रेडेड बेसिस ऑन देयर प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू सम करंटली सरफेसिंग रिपोर्ट्स। अभी तक जो ANI को कुछ रिपोर्ट्स वगैरह मिली हैं, जो संभावनाएं हैं, वो कुछ ऐसा लगता है कि जो प्रीवियस ईयर की आपकी जो परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर कुछ ना कुछ आपको इवेल्युएट करके कुछ रिजल्ट आपको दिया जा सकता है। एंड अपडेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इन दिस इवेल्युएशन स्कीम, द ग्रेड्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9th टू 11th माइट ऑल्सो बी टेकन इन कंसिडरेशन। 9वीं क्लास से लेके 11वीं क्लास तक आपका क्या मतलब वो रिजल्ट रहा, क्या परफॉर्मेंस रही, उन सभी को देखा जाएगा, सोचा समझा जाएगा, ठीक है। 12th को भी देखा जाएगा अच्छे से, जो प्रीपोर्ट वगैरह आपने दिए, जो इंटरनल्स आपने दिए, ठीक है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सर्टेन सोर्सेज इट हैज़ ऑल्सो बिन सजेस्टेड दैट द CBSE शुड इंटीग्रेट CBSE क्लास 10th बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स एज वेल एज क्लास 11th एंड 12th इंटरनल मार्क्स असेसमेंट, ठीक है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि मतलब रिपोर्ट से ऐसा पता चल रहा है। अभी कुछ ये श्योर नहीं है, आप 100% बिल्कुल, यहाँ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि कुछ रिपोर्ट्स के साथ आया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें लिखा गया है कि हो सकता है CBSE इंटीग्रेट कर दे क्लास 10th के, 11th के और 12th के इंटरनल मार्क्स को, 9th को ना भी लिया जाए, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अभी यही सब मतलब हर कोई संभावनाएं बता रहा है अपनी, और अभी बिल्कुल भी आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट है। और इसमें देखो, वैसे अगर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, तो जो आपके रिजल्ट का आधार है वो हम सब जानते हैं कि आपके प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है वही होने वाली है, क्योंकि इसके अलावा CBSE किसी बच्चे को मतलब किसी की शक्ल देख के तो नंबर देगा नहीं, ठीक है। अगर बोर्ड को नंबर देने हैं तो बच्चे की परफॉर्मेंस ही देख के दे सकता है वो, चाहे वो इंटरनल की हो चाहे वो प्रीवियस क्लासेस की हो। तो अब ये पक्का एक बार ही पता चल जाए कि कौन सी वो क्लासेस होंगी जिसके आधार पर यह रिजल्ट बनेगा। बाकी इतना तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि नंबर आपके मस्त आने वाले हैं, जिसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कमेटी भी बना दी गई है इसके लिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और आपके नंबर ऐसे नहीं आएंगे कि जिसमें आपको निराशा का सामना करना पड़े, ठीक है, नंबर आपके ठीक आएंगे, फेल कोई नहीं होगा, तो टेंशन से बिल्कुल मुक्त रहो। और लास्ट वीक द CBSE सेक्रेटरी हैज़ इन्फॉर्म दैट द एवेल्युएशन प्रोसेस फॉर CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स स्टूडेंट्स इज लाइकली टू बिगिन विद इन 15 डेज, ठीक है, लगभग 2 हफ्ते में ये काम पूरा हो जाएगा, 2 वीक्स के अंदर, ठीक है। एंड वी विल डिसाइड द क्राइटेरिया ऑन व्हाट पैरामीटर्स द रिजल्ट्स ऑफ 12th एग्जाम विल बी मेड। और ये जो 2 हफ्तों के अंदर ये बता देंगे कि किस आधार पे आपका रिजल्ट बनने वाला है। इट विल टेक अबाउट 2 वीक्स, ठीक है, क्योंकि 2 हफ्ते तो लगते ही हैं इस काम को सोचने में, बिकॉज ये एक लॉन्ग डिस्कशन का मैटर है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 14 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट होगा जो आ रहा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करो, जब तक अपने करियर के बारे में सोचो, ठीक है, आपको 12th के बाद क्या करना है, क्योंकि जल्दी ही हम अपनी करियर वाली वीडियोस भी लाने वाले हैं, जहाँ पे हम आपको बताएंगे, बहुत सारे करियर बताएंगे जो आपको सही लगे आप उसमें ज़रूर जाएं, ठीक है। तो अभी के लिए यही था अपडेट। और आगे यहाँ पे ये भी लिखा है कि आपको पता ही होगा कि CBSE ने बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिया था पैंडेमिक के कारण। द मार्क्स टेबुलेशन पॉलिसी हैज़ बीन अनाउंस फॉर CBSE क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। 10th के लिए तो पता चल चुका है फॉर्मूला क्या है, लेकिन 12th वाला जो है अभी फॉर्मूला कुछ भी ऐसा नहीं आया है। अगर कोई भी चैनल आपको बताता है कि बच्चे इस तरीके से पास होने वाले हैं 100%, तो वो गलत है, अभी कुछ भी ऐसा ऑफिशियल नहीं आया है। तो आपको अगर कुछ भी ऐसा जानना भी हो आगे फ्यूचर में, तो CBSE की वेबसाइट को आप रेगुलरली विजिट करते रहिए, किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है आपको। इवन मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी ये चीज़ें हैं, ये सब एक संभावनाएं हैं, इस टाइम पे मैं हूँ चाहे कोई भी है, आपको एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकता आपका रिजल्ट किस क्लास के बेस पे बनने वाला है। हम सिर्फ एक संभावनाएं जताते हैं कि भाई हाँ,
इस क्लास के बेस पे ऐसे ऐसे बन सकता है, और जो कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स होती हैं मैं ऑफिशियली आपके सामने रखता हूँ, ठीक है? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम आपका स्ट्रेस कम करने के लिए बैठे हुए हैं, आपके लिए करियर वाले वीडियोस जल्दी लाएंगे जिससे आपका मूड फ्रेश रहेगा और आप आगे के लिए सोच पाएंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे आके पूछ सकते हैं वहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।